मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने रीवा की सेंट्रल जेल में कैदी भाइयों के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आए। साथ ही उन्होंने सजा काट रहे बंदियों से जेल से रिहा होने पर अच्छे आचरण के साथ जीवन जीने की अपील की। देखिए ये खास रिपोर्ट। रीवा में सोमवार सुबह से ही कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की धूम देखने को मिली। केंद्रीय जेल के भीतर कारागार की झांकी सजा कर धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। रात 9 बजे कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूजा अर्चना करने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जन्माष्टमी की बधाई देते हुए कैदियों से शांतिपूर्वक सजा काटने और जेल से रिहा होने के बाद अच्छे आचरण के साथ जीवन जीने की बात कही। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यहाँ पर उपस्थित आदरणीय AK सिंह साहब, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उपाध्याय जी, जेल अधीक्षक, आदरणीय श्रीमती माया सिंह जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, आदरणीय लाल बहादुर सिंह जी, रायपुर जनपद के कई बार अध्यक्ष रहे, नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी और हमारी कला और साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत काम किया, आदरणीय मणिमाला सिंह जी, श्रीमती AK सिंह जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय राजेश शुक्ला जी, यहाँ पर उपस्थित सभी कलाकार साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन के पर्व को जो लोग हमारे पंडित जी। जेल अधीक्षक के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, इसलिए केंद्रीय जेल रीवा में भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां जेल के कैदियों ने कृष्ण जन्म की आकर्षक झांकियां सजाई, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। रीवा में विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें जो आप झांकी देख रहे हैं वो हमारे जेल के कैदी भाइयों ने बनाई थी। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वो हमारे बंदी भाई ही संचालित कर रहे हैं, उसमें गायन वादन कर रहे हैं। तो आज इस अवसर पर मैं सभी अपने स्टाफ को, बंदी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही साथ आज हमारे बीच देश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी भी उपस्थित हुए थे। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने भी शुभकामना दी बंदी भाइयों को, सत्मार्ग पर चलने की और यहाँ से छूटने के बाद अच्छा आचरण रखने की, पुनः कोई अपराध न करने की सीख दी है। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ कि सर आज हमारे बीच उपस्थित हुए। थैंक यू, धन्यवाद। देर रात तक केंद्रीय जेल के कैदियों के द्वारा सजाई झांकी और संगीत का आनंद लेने जेल परिवार सहित आम नागरिक भी जेल पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, रीवा।